उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के सभापति एवं उत्तर प्रदेश सरकार दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संत राज यादव के कार्यकाल 2 वर्ष पूरे होने पर रेलवे स्टेशन स्थित एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं बैंक कर्मियों द्वारा उनका स्वागत एवं बुके देकर सम्मान किया गया, जिसके संबंध में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संत राज यादव ने बताया कि हमारे कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा हुआ है। इसी उपलक्ष्य में बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वागत किया। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, जिसकी 323 शाखाएं पूरे प्रदेश में हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती लोगों ने इस बैंक को पूरी तरह से ठप कर दिया था, लेकिन इन 2 वर्षों में बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारियों के सहयोग से UPLDB बैंक को चलाने का प्रयास किया। इस अवसर पर गोरखपुर मंडल के DCF चेयरमैन महंत सिंह, राजीव रंजन अग्रवाल, जितेंद्र गौड़, ललन त्रिपाठी, अनिल कुमार पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के सभापति एवं उत्तर प्रदेश सरकार दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संत राज यादव ने कहा, आ जाओ, सबका परिचय करा देना पहले। आज हमारे कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा हो रहा। इस 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमारे बैंक के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने एक स्वागत समारोह रखा था। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक, जो पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ, जिसकी 323 शाखाएं पूरे प्रदेश में हैं, और मैं 2 वर्षों के अंदर कह सकता हूँ कि हमने 2 वर्ष में इस बैंक को चलाने का प्रयास किया। हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने इस बैंक को बैठा दिया था, लेकिन हमारे अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के, सहयोग करके, परिश्रम करके इस बैंक को चलाने का प्रयास किया और आज बैंक चल पड़ा है। आज मुझे कहने में संकोच नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर मंडल, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, एक डायरेक्टर के नाते, एक निदेशक के नाते, जो मेरा कार्य क्षेत्र है गोरखपुर बस्ती मंडल, दोनों मिला करके एक मंडल है, यह मंडल पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर एक स्थान पर है। और इसके लिए मैं अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को बधाई देता हूँ। इसी निमित्त मेरा आज का यहाँ आना हुआ। आगे चलने की क्या प्रक्रिया रहेगी बैंक? आगे जो बैंक की प्रक्रिया है, किसानों से सीधा संपर्क और संवाद करके बैंक की गतिविधियों को आगे बढ़ाना है हमारा मूल लक्ष्य है। हमारे बैंक के अधिकारी कर्मचारी एक मूल मंत्र को लेकर के चलते हैं, किसानों से संपर्क और संवाद। हम किसानों को लंबी अवधि का ऋण देते हैं, उसके बदले हम ऋण के बदले हम खेती को बंधक बनाते हैं और फिर ऋण को वसूली करते हैं। और मैं कह सकता हूं कि हमारे इस बैंक के कार्य से उत्तर प्रदेश का किसान लाभान्वित हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है, उस मंशा के अनुरूप हमारे बैंक के अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, आगे करते रहें।